हार्ट ऑफ द सिटी, ये मेन सेंटर है, यहाँ से शुरू होता है और सारे टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे आके फोटो शूट होना खिंचवाई थी। फिर आपको फारूवाला में दिखा है, ये बोट आ रही है इधर से, ये वहाँ पे आईलैंड छोटा सा, वहाँ पे टूरिस्ट को लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मिडिल क्लास की दुनिया, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी फिट हूँ, मज़े में हूँ। आज मैं उस सिटी में घूम रहा हूँ जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी पुर्तगाल में। समझ तो गए होंगे जो मुझे रेगुलर लोग फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल, मैं फारो में इस टाइम मौजूद हूँ और बिल्कुल एग्जैक्ट फारो का सेंटर है, ये चर्च है यहाँ पे। और वहाँ पे मेरी एक दफ़ा गाड़ी ख़राब हो गई थी रात को, और मैं जो है ना फिर सुपरवाइज़र को कॉल करके बुलाई थी, हेल्प की थी, दोस्त भी आए थे कोई पुर्तगीज़ हेल्प करने के लिए। तो ये इस टाइम फारो का सेंटर है, मैं यहाँ से आज अपना व्लॉग कर रहा हूँ स्टार्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे सोच रहा था कि ये जो चर्च है ना, इसके ना शॉट्स लेते हैं ड्रोन के साथ ज़बरदस्त किस्म के, लेकिन ऊपर कबूतर देखे उड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल यहाँ पे वो देखे वहाँ पे भी कितने ज़्यादा है, तो यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं होगा भाई, ये टकरा जाएंगे साथ में, और साथ में टकरा गए तो हमारे ड्रोन की इंश्योरेंस हो गई ख़त्म, तो पैसे हमें कोई नहीं मिलेंगे, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम शॉट्स यहाँ पर ना ही लें, तो बेहतर है मोबाइल से ही जो कैप्चर कर सकते हैं वही करते हैं। एक और आपको चर्च दिखाता हूँ, ये देखें जी एक और चर्च है यहाँ पर, चर्च बड़े खूबसूरत है। और एक कुत्ता भी दिखाते हैं आपको, एक भाई साहब पता नहीं स्ट्रीट डॉग है कि यहाँ पालतू, लेकिन गले में पट्टा तो इसके है। जब मैं यहाँ पे रहता तब भी ये बिल्डिंग ऐसे ही खाली थी, पुरानी थी, अभी भी स्टिल वैसे ही है। और वो बोर्ड लगा फोर सेल, को लेना चाहे भाई इन्वेस्टर तो लेके रेनोवेट करके होटल बना सकता है। होटल्स का जो बिज़नेस है यहाँ फारो में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, और रेस्टोरेंट एंड होटल्स, क्योंकि टूरिस्ट सिटी है यहाँ पे, टूरिज्म का काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन 6 to 7 months ही होता, ज़्यादा नहीं होता। पीछे एरिया ये मरीना यहाँ का फारो का, यहाँ पे बोट्स वगैरह शिप खड़े होते हैं, शिप तो नहीं खैर बोट ही होती हैं जो प्राइवेट यॉट्स वगैरह होती हैं। अगर तो आपकी प्राइवेट है तो आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी की भी रेंट आउट करके समंदर में भी जाकर घूम फिर सकते हैं। अभी ड्रोन उड़ाने का प्लान तो था, लेकिन अभी नहीं उड़ा सकते, उसकी रीज़न ये है कि तो ठंडी हवा चल रही है और ऊपर से बर्ड्स बड़े ऊपर उड़ रहे हैं, ये अटैक कर देंगे। एरिया आपको दिखाते हैं फारो का, अभी एक शॉट्स लेते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट बूथ बने हुए हैं, अगर आपने बोट टूर करना है यहाँ पे वगैरह तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। तो ये मेन जो है वो फारो का सेंटर है, यहाँ पे अभी फारो लिखा हुआ आपको दिखा देते हैं, इस तरफ लिखा हुआ है फारो। गोहे देखे नंगे पुंगे होके लेट गए हैं भाई, धूप बहुत तेज़ है। हाँ ये तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन असी साढ़ जाना है। कल वीकेंड नाइट थी और यहाँ पर कॉन्सर्ट भी था यहाँ पे, और लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं था, क्योंकि लैला और हनैन आए हुए थे, उन्होंने तो यहाँ पर इन्जॉय किया लेकिन मैंने नहीं, क्योंकि मैं दोस्तों की तरफ था। तो आपको ये दिखाते हैं फारो, हार्ट ऑफ द सिटी, ये मेन सेंटर है, यहाँ से शुरू होता है और सारे टूरिस्ट आगे यहाँ पे आके फोटो शूट होना खिंचवाई, तो फिर आपको फारो आना भी बेकार है। अंदर की साइड पे भाई हवा बड़ी तेज़ है, पता नहीं आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही होगी, पता हमने करना तो है ना रिकॉर्डिंग। ड्रोन का भी सीन ही है, मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा इतनी तेज़ हवा के अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि हवा थोड़ी रुक जाए, फिर हम ड्रोन से शॉट्स ले सकें, आपको दिखा सकें पूरा ओवरव्यू फारो सिटी का। पहले जब हमने व्लॉग रिकॉर्ड किया तब तो ड्रोन हमारे पास नहीं था, तो हम वो ओवरव्यू ऊपर से नहीं दिखा सके व्यूज़ का, लेकिन अभी आप है तो अभी दिखाना तो चाहिए और दिखाएँगे भी ज़रूर आपको। इस तरफ कोई स्टॉल्स रखे हुए छोटे छोटे,
इनको वीकेंड है, वीकेंड पे अक्सर स्टॉल्स लगते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे लोग क्या बेच रहे हैं स्टॉल्स लगा के। जी वही सेम जैसे वो लिस्बन में लोग बेचते हैं अपने ट्रेडिशनल चीज़ें यहाँ पे लगा के, हैंडमेड चीज़ें हो गई जो पुर्तगाल की स्पेशलिटी है, लोकल लोगों की खाने फूड, और जो इम्पोर्टेंट इनके स्टोन्स होते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस तरह की चीज़ें, फिर पर्स होते हैं ये, जैसे ट्री की जो ट्री से जो निकलता है, पता नहीं मुझे नहीं पता वॉट एवर क्या कहते हैं, तो उससे ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जूते और इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे एवरी वीकेंड के ऊपर इस तरह की जो छोटी छोटी मार्केट्स हैं वो ज़रूर लगती हैं, और मोस्टली ये वाले स्टॉल्स लगाने की जो परमिशन है वो लोकल्स को ही मिलती है, दूसरे बंदे परमिशन नहीं दे सकते भाई, ये ख़ास कैटेगरी की परमिशन होती है इनको, और इन्हीं को सिर्फ अलाउड होता है ये चीज़ स्टॉल्स लगाना। हम इमिग्रेंट्स या दूसरे लोग जो है ना ये वाला बिज़नेस नहीं कर सकते, मैंने अभी तक यहाँ पे देखा नहीं है, मैंने ट्राई की है एक दो जगहों पे जाकर परमिशन लेने की, लेकिन ना भाई ये वाली परमिशन हमें नहीं मिल सकती। ये भाई ट्रेन भी यहाँ पे चलती है, अगर आप झूला झूला लेना हो तो आप इस ट्रेन के अंदर बैठ कर झूला झूला भी ले सकते हैं। भी लग रही है हमें भूख और लंच हमने नहीं किया, इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं कुछ लंच के लिए, कुछ देखते हैं क्या सीन है, क्या खा सकते हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ। ये बैंक स्क्वायर है यहाँ पे, जितने भी बैंक्स हैं यहाँ पे ही हैं मेन सेंटर के, तो आपको अब दिखाते हैं कि आपके भाई का जो सबसे पहला पुर्तगाल के अंदर अकाउंट ओपन हुआ था किस बैंक में हुआ था। अभी तक मेरा उसी बैंक में ही है, मिलेनियम बैंक के अंदर ये अकाउंट है, लेकिन इस ब्रांच जो फारो की ब्रांच है यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन हुआ था। तो ये राजीव बैंक जहाँ पे आपके भाई का पहला अकाउंट ओपन हुआ था, नोवो और मिलेनियम आमने सामने है, लेकिन मैंने नोवो चूज़ किया था, उसकी रीज़न ये थी कि सॉरी मैंने जो था मिलेनियम चूज़ किया था, उसकी रीज़न ये थी कि इनकी जो एप्लीकेशंस हैं और इनके जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश में है सारी, मुझे ऑपरेट करने में बड़ी इजी लगी थी, क्योंकि मैंने एक दो बंदे से पूछा था कि भाई सबसे ईजीस्ट एप्लीकेशन किस बैंक की है, तो उन्होंने मुझे मिलेनियम बोला, तो मैंने मिलेनियम में खुलवा लिया। अब मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं कंपनीज़ के अकाउंट्स भी जो मिलेनियम के अंदर ही है। घूमते घूमते भाई भूख लगी थी मुझे, और मैंने भी ऑर्डर किया ऑरेंज जूस और साथ में टोस्ट, टोस्ट के अंदर चीज़ लगवा के, क्योंकि ये ज़्यादातर जो ऐसे इनके सैंडविचेज़ होते हैं इसमें अंदर पोर्क यूज़ करते हैं, तो बेहतर ये कि आप चीज़ सैंडविच बना के उनको कह देंगे, चीज़ सैंडविच बनवा दें आपके लिए। थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ कुछ जूस और सैंडविच खाने के बाद, अभी हवा भी थोड़ी कम हो गई है, अभी तो बिल्डिंग्स के अंदर घूम रहा हूँ, पता नहीं चल रहा हवा का, बाहर जाके देखते हैं, अगर हवा कम हो गई है तो ड्रोन शॉट लेते हैं, फिर ट्राई करते हैं, लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे मुझे शाम हो जाए यहाँ बैठेंगे ड्रोन शॉट लेने के लिए लाजमी। सो अगर तो भाई आप बोट शॉट के ऊपर यॉट के ऊपर इन्जॉय करना चाहते हैं, उस तरफ आइलैंड्स बने हुए छोटे छोटे, तो यहाँ पे ये इनके टिकट्स काउंटर हैं, यहाँ से आप टिकट्स लेके भाई घूम फिर सकते हैं, आइलैंड्स पे जा सकते हैं। हमारे पे इतना टाइम नहीं है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने मैक्सिमम व्लॉग को कवर करना है, और फिर हमने कल वापसी, आज मैं इधर स्टे करूँगा, फिर कल की वापसी है। आगे ये पीछे दीवार आपको नज़र आ रही होगी ये वाली, इसके पीछे भी अंदर एक छोटा सा गाँव कह लें सिटी थी इनकी, लेकिन अब इन्होंने अंदर सरकारी ऑफिसेज बना लिए हुए हैं। ये बोट आ रही है इधर से, ये वहाँ पे एक आइलैंड है छोटा सा, वहाँ पे टूरिस्ट को लेके जाते हैं, गोरे तो पागल है ना भाई, ये धूप शूप के बीच के इस चीज़ों के, तो उनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम देखते हैं, हम इस तरफ जाते हैं और हवा थोड़ी कम हो गया, ड्रोन उड़ाने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, लेकिन भाई जी वो नहीं, ऊपर नहीं गया, 10 मीटर से ऊपर ही नहीं गया, और ऊपर आ गया कि इस एरिया में अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी मुझे याद आया क्योंकि ये सामने भाई उस तरफ एयरपोर्ट है, और आप जहाज़ भी देख सकते हैं, अभी आ ही गया जहाज़, ये देखिए ये सामने जहाज़ आ रहा है, तो लिहाजा इस एरिया में हम ड्रोन उड़ा नहीं सकते। तो ओल्ड टाउन जो अंदर है, हम उस तरफ चलते हैं, आपको ओल्ड टाउन दिखाते हैं जो बाउंड्री वॉल्स के अंदर मौजूद था। मोस्टली यहाँ पर अंदर जो बार और कैफ़े बने हुए हैं, ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पुराना कल्चरल टाइप बार बना हुआ है, और आगे भी सारे रेस्टोरेंट और बार वगैरह हैं टूरिस्ट के लिए। अब रिहाइश तो यहाँ पे है नहीं है, वो तो ख़त्म कर दी हुई है इन्होंने, लेकिन सिर्फ 5 बजे तक ये ओपन है अलाउड, उसके बाद ये यहाँ पे अंदर शॉप्स बंद हो जाती हैं। अभी मैं जो है उसी बाउंड्री वॉल के अंदर ही घूम रहा हूँ, और मोस्टली यहाँ पर इन्होंने ऑफिस ही बनाए हुए हैं सरकारी, और यहाँ पर एक बहुत पुराना चर्च है, आपको दिखाते हैं, ये रहा वो चर्च, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो मेरे ख्याल से अभी बंद है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, बाहर से फोटो शोटो इसकी ले सकते हैं, वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। तो भाई ये वो जो ट्रेन थी मैंने आपको दिखाई थी बाहर, ये वो सिटी के अंदर टूर करवाते हुए लेके आई है अंदर, ये लोगों को घुमा रही है, चर्च वगैरह दिखा रही है, ये इसका एग्जिट पॉइंट है, और वो ऊपर देखें जी पंछियों ने घोंसले बनाए हुए हैं बड़े मज़े से, वो बड़े बड़े वाले पंछी, वो देखे को भाई साहब वो ऊपर मज़े से आराम कर रहे हैं, तो ये यहाँ से एग्जिट है, एंटर भी हो सकते हैं और आप एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप दूसरी साइड से आएँ और यहाँ से एग्जिट करें,
ताकि पूरा एक आपका राउंड हो जाए इस पूरी सिटी का। है छोटी सी है ये देखें, जैसे हमारा पाकिस्तान में शाही किला टाइप नहीं होता, लेकिन इनकी जो सिटीज़ थी वो होती थी चार दीवारियों के अंदर, थोड़ा किंगडम टाइप छोटे छोटे होते थे इनके, राजा महाराजा लड़ते थे अपने हुकूमतों के लिए। तो भाई से इसका आपका व्यू दिखा दें, इसका भैया बाहर से ऐसा दिखता है वो, देखे भाई साहब के जो घोंसले। अभी बच गए जी शाम के 7 और मेरा दिल कर रहा है मीठा खाने को। मीठा इनका ट्रेडिशनल एक यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ से लेते हैं आके, यहाँ से मीठा खाएंगे कुछ ले के। हेलो, तो ये भाई ये इसको लगाएंगे पाउडर सा कुछ लगाते हैं, ट्रेडिशनल होता है ये। जब से मैं पुर्तगाल में आया मैंने कभी खाया नहीं था, आज फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, दिल कर रहा था मीठा खाने को, तो मैं कहा ये ट्राई करते हैं, मज़े क्या भाई। अभी हम जा रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया की तरफ, आपको थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया भी दिखा देते हैं। अभी बज गए जी शाम के 8 और शाम की रात एक ही होता है यहाँ पे, और ड्रोन के शॉट हम नहीं ले पाए, एक तो हवा बहुत तेज़ थी और दूसरा एयरपोर्ट बहुत पास है तो जहाज़ बहुत नीचे से गुजरता है यहाँ से, तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया आ रहा था 10 मीटर से ज़्यादा ऊपर, ड्रोन 2-3 दफ़ा उड़ाने की कोशिश की लेकिन नहीं गया। तो दिखा दें जी आपको ये गलियाँ शलियाँ फारो की ऐसी हैं, फारो के अंदर मोस्टली आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग मिलेंगे, यहाँ पर जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश लोग ज़्यादा हैं, अमेरिकन ज़्यादा हैं, कैनेडियन हैं, तो इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी आपको मिलेंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पे इस तरफ, लेकिन छोटे छोटे घर भी हैं जो पुराने हैं, लाइक इस तरह के घर भी हैं यहाँ पे, इस तरह के कुछ वीडियोस लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आपको आइडिया हो जाएगा कि फारो सिटी कैसा है। मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है, जो लोग स्लो एंड स्टडी चलते हैं वो लोग इस सिटी को चूज़ कर सकते हैं, जो लोग जो रश में रहना पसंद नहीं करते, जो बिल्कुल पीस चाहते हैं, लाइफ को इन्जॉय करना चाहते हैं, फैमिलीज़ मोस्टली जो फैमिलीज़ वाले लोग हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त सिटी है। मैं पर्सनली, अब मेरी रिकमेंडेशन हो कि मैं आपको रिकमेंड करूं कि भाई अगर मैं अपने लिए देखूं तो मेरी फैमिली के लिए ये वाली प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर लगती है लिस्बन से, लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिस्बन रहना पड़ता है, उसकी रीज़न है कि लिस्बन बड़ी सिटीज़ में हमेशा बिज़नेस भी बड़ा ही होता है, तो ये रीज़न है हमारा वहाँ रहने का। लेकिन देख रहा हूँ अभी वेरी सून कि यहाँ पर भी जो कोई ना कोई सेटिंग की जाए जिसके हम हमारा आना जाना लगा रहे। आज ही आपके भाई को यहाँ पे बड़े जानने वाले मिले हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग मिले हैं जो मेरे साथ काम करते थे और देख के बड़े खुश हुए। अभी एक भाई मेरे साथ, हम जिम भी इकट्ठे करते, एक्सरसाइज करते थे, वो भी मिले हमें। अभी वो डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं, मोस्टली हमारे जो अब मेरे साथ जो लोग काम करते थे सब मोस्टली डिलीवरी जॉब्स के अंदर ही चले गए हैं। तो ये रहा जी आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फारो सिटी कैसा है पुर्तगाल का, मेरे लिए तो भाई बहुत वधिया है, तुहाडा मैनू पता नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हुई लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर देंगे, आपके कमेंट करने से भाई मेरी हौसला अफजाई होती है, और हमने इस चैनल के ऊपर सिल्वर बटन बड़ी जल्दी लेना है, तो जल्दी जल्दी करो लाल घंटी का बटन भी नाल दबा दो, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं कल के व्लॉग के अंदर जी, अल्लाह हाफिज़।